हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फौजी गेम के बारे में। दोस्तों, फौजी गेम कब आएगा और कैसा होगा, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी इनेबल कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, फौजी गेम को प्रमोट कर रहे हैं अक्षय कुमार इस गेम को प्रमोट कर रहे हैं। और दोस्तों, फौजी गेम दोस्तों एक एनकोर गेम एप्लीकेशन है और इस गेम का जो हेडक्वार्टर है हैदराबाद में है, जहाँ पर इस गेम को डेवलपिंग किया जा रहा है। और दोस्तों, इस गेम का जो रिलीज डेट है नवंबर में था, 24 नवंबर से रिलीज होना था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसकी डेट जो है चेंज हो चुकी है। अब आपको ये गेम दिसंबर के महीने में आपको रिलीज मिल सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों, इस गेम का जो है फर्स्ट लुक भी आ चुका है। दोस्तों, यहाँ पर आपको वीडियो आप देख पाएंगे। बेस पर आधारित है। दोस्तों, यहाँ पर दिखाया गया है कि एक आर्मी की लाइफ कैसा होता है इस गेम में आपको देखने को मिलेगा और आपको कुछ से कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। और दोस्तों, अक्षय कुमार ने ट्विटर पर बताया था कि इस गेम से जो भी अर्निंग होगा उसका 20% आर्मी फंड में जाएगा। दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर सभी लोगों को लगा कि फौजी गेम आ चुका है, लेकिन अभी तक फौजी गेम आया नहीं है। लेकिन दोस्तों, कुछ यहाँ पर प्ले स्टोर वगैरह आप सर्च करेंगे फौजी गेम, तो वहाँ पर बहुत सारे फेक आपको गेम्स आपको देखने को आपको मिले, लेकिन जो रियल गेम वो भी आया नहीं है। अभी उस पर काम चल रहा है दोस्तों, लेकिन आपको बहुत जल्द आपको प्ले स्टोर पर आपको अवेलेबल आपको मिल जाएगा। ये गेम आपको दिसंबर तक जाके आपको मिल सकता है दोस्तों प्ले स्टोर पर। दोस्तों, यही था कुछ जानकारी जो कि फौजी गेम की तरफ से आया हुआ था। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी इनेबल कर देगा, जिससे कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।